पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्दाय कृष्णप्रेमप्राय कृष्णाय कृष्णचरितं नन्दे गौरवे गुरवे गौरचन्द्राय हाय श्री गुरुदेवाधिकारी कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय यं प्राप्तजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्रयाजुभाव पुत्रेति तन्मयत्रया तवैवास्मि न
रामानंद जी ने विष्णु पुराण का श्लोक उतारा वर्णाश्रम माचावतर कुशीन परापुमान पिष्टुरासर राधर अनादरणीय पंथा नंदन विष्णु पुराण। इस प्रकार से हमारे संप्रदाय में समर्थ भागवत को हम प्रमाण कहा जाता है। उसी प्रकार से रामानंद संप्रदाय में प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है विष्णु पुराण। उस विष्णु पुराण से इस विष्णु पुराण में हम नीचे देखेंगे विष्णु पुराण में पराशर जी का ये अच्छा है। इसके साथ में और भी दो श्लोक और हैं इसके संबंध में। इसमें स्वधर्म आचरण से वर्णाश्रम धर्म से उत्पन्न भक्ति को चैतन्य महाप्रभु जी ने बात भी बताया। कारण क्या हमने कारण अभी तक मुखबंध में बताया है। इसमें देहाशक्ति है और इसका फल भोग भी पृथ्वी पर ही है भोग को। और यदि उसको भी कहें सिद्ध लोगों की बात जो निर्वाण मोक्ष पाते हैं उनको भी सिद्ध लोग में गति है वैकुंठ में उनकी गति। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की भक्ति जो है भक्ति तो आराध्य है ठीक है साध्य है किंतु विष्णु पुराण में जो वर्णाश्रम से जो भक्ति होती है वो वर्षा कारण हमने पहले बताया विशेष महाप्रभु जी ने यो वाक्य आगे को कहते हैं राय है कृष्ण कर्वापण साधना कर्म बंधन है। इसलिए कृष्ण के चरणों में कर्मों को अर्पण करो। जो कुछ करते हो जो कुछ खाओ उसके लिए गीता का यह श्लोक प्रमाण किया। यद करोषि जो कुछ करते हो यद अश्नासि जो कुछ खाते हो यद जुहोषि जो कुछ हवन करते हो तदासि जो कुछ दान करते हो जब तपस्या थी जो तपस्या करते हो एक अंत मुझको गीता में और भी कहा गया है यज्ञार्थात कर्मण लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कंतेय मुक्त संग समाचार। कर्मों में आसक्ति को संपूर्ण रूप से छोड़कर विष्णु के लिए ही जितने कर्म करो उनको प्रसन्न करने के तो ये यज्ञ होगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा अपने लिए करेगा तो इसलिए कर्म मेरे प्रति उसको अर्पण करो। एक चीज को समझो एक अर्पण करके तब करना और एक करके तब अर्पण करना। हमने खाया लौकिक वैदिक वाक याद किया कि ये थे मुनि हरिश्वान को लेकर साधारण क्या भक्ति कहा गया है लौकिक भी। तो इसमें लौकिक तो भी जो कुछ खाते हैं जो कुछ खाते हैं वो सब कुछ क्या बंधन होगा। दो उपाय है पहले अपने को अर्पण करो इति पुन साधिका नवलक्ष है क्रियते क्या तात्पर्य पहले अर्पण कर लो अपने को मैं तुम्हारा हूं मानस देह देह जो
आती उत्मा पदे न पहले ये करो और इसके बाद से काम करो संतान नहीं होगा और करके करो और तब अर्पण करोगे तो उसका फल कुछ हो इसलिए इसी श्लोक में भी कहा भगवत भक्ति श्रवण कीर्तन स्वर्ण बंधन पहले अपने पर पढ़ करो ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन करो और इसके बाद में ओ कृष्णाय नमः कृष्ण अर्पणम् ऐसा मत करो ये बंधन थोड़ा सा डिफरेंस समाज में पहले कोई डिफरेंस ही नहीं है किंतु है इसमें डिफरेंस इसलिए यहाँ पर बताता है जब करो जो कुछ करो हवन करो खाओ पियो चलो फिरो जो कुछ भी करो प्रभु कहे यो बाध्य आगे कहा प्रभु जी ने कहा यो बाध्य क्यों कहा इसमें भी शरीर में आसक्ति है और स्वरूपानुबंधी इसमें कुछ भी नहीं है सेवा की बात कृष्ण की सेवा की बात इसमें क्या है अभी तुम करो और तुम दो तुम मैं यह शरीर इसे स्वरूपानुबंधी नहीं हुआ आत्मागत यह नहीं है पता से संबंधित स्वरूपानुबंधी नहीं है बाकी की सेवा कृष्ण की सेवा के लिए कुछ है इसमें संबंध ही नहीं है तब उन्होंने कहा स्वधर्म का त्याग स्वधर्म का त्याग बड़ा सा धर्म का त्याग स्वरूप ऐसा नहीं कि कर्म फल को त्याग कर कर्म हो गए जब गीता में भी कहा गया है स्वसन्यासी जब सब याद है जो कर्म फलों का त्याग करता है वो जता तो सन्यासी है अन्यथा कर्म फल का त्याग नहीं करता वो सन्यासी भी है नहीं रखने भी नहीं है इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्वधर्म का त्याग और स्वरूप का कर्मों का फल को भी त्याग करो और साथ साथ उस कर्मों को स्वरूप तक त्याग करो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जीव गोस्वामी अपनी गीता की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गीता उसमें तो स्पष्ट स्वरूप तक कर्मों का त्याग करो जो भक्ति का अनुकूल नहीं है उसका संपूर्ण रूप से त्याग वो कर्म कर्म नहीं है यदि भगवान के लिए इसलिए उसको नहीं करना है यही साधन था So there, see, Ramana explained
by following Swadharma, by following one's position in Varnashram, one would see bhakti. So Mahaprabhu explained that this is external. If you know more, you may speak more. So yesterday this was described. Why? Because the person who is performing his Swadharma, his position in Varnashram, along with his bhakti, he has so much attachment to this gross body, Deha Shakti. Also he has desire for moksha. So this type of mixed bhakti will not take him to Vaikuntha, but may only take him up to Sivaloka, liberation. So it's true that bhakti is the sadhya or the ultimate goal. But Varnashram Dharma is not the sadhya for attaining that type of bhakti. So for these reasons, Mahaprabhu rejected as external. If you know more, you may speak something higher. So, Sri Ramana has always said, by karma-apanam, by offering one's the fruits of one's activities to Krishna, this is the highest form of life. So in Bhagavad Gita, so we know that karma or fruitive activity is bondage. So therefore that activity which causes bondage, that same activity should be offered to Krishna. Like Krishna says in Bhagavad Gita, yet karosi yadasasi yajahosi yadasya, yet kapasasi kundi yadasya kundusham marapanam. O Arjuna, yet karosi, whatever you do, yadasasi, whatever you eat, yajahosi. Whatever yagi perform, whatever austerities you perform, keep that as an offer to that Purush, the Supreme Lord. So also in Gita, there it says, O Arjuna, whatever you do, as a fruity activity causes bondage, and whatever you do for Vishnu is the cause of liberation. So, once you leave this, all types of karma, and instead of trying to enjoy the fruits for oneself, one should offer themselves to Krishna. So there's two types of conception here. One is to first perform your karma, your own fruitive activities, and then after you've done it, then you'll offer the result to Krishna. Or the second, the superior method, is first offer yourself to Krishna, and then perform your activities in this world. They look a little bit similar, but there's a vast difference between them. Like Sri Paramahansa suggested, if you want Sabhika Vishnu, Bhaktisthana Vachanam, Kriyatam Bhagavatam Adam Mandita Adam Uttamam. If you want Sabhika Vishnu, first completely offer yourself to Vishnu, then perform the nine limbs of the washing. Sri Bhaktivinoda said, Manas the day of Yel Jogi Chumo, after the Prabhupada, Nandakishore. Or Nandakishore, Krishna, when I have this body, and that is related to this body, everything is yours. So, this Mahaprabhu also rejected this as external. Why? Because in this there is also so much attachment to the body, and there is no question of direct self to Bhagavan. There is no question of Atma Sambandhi, no heart-to-heart relationship with the Lord. The activities here are not themselves composed of bhakti. They are done with the body and the result is after the Lord. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu rejected these as if these are external. So, Prabhu said, this is external. If you know more, you may talk more. So then, Sri Ramana really came up with a suggestion, Swadharma Tyag. Because ultimately, if one wants to offer one's karma to Krishna, then Krishna actually owns everything. So what can you offer him anyway? So no question of that. So everything belongs to Krishna, therefore one should seek to renounce or leave one's material designation in Varnashram. So one should be very careful to avoid that which is against bhakti. So giving up all one's upadi means relationship with his body, one should perform bhakti. This is the ultimate goal of life.
प्रधान त्याग के संबंध में दो उदाहरण दिए गए, एक श्रीमद् भागवत से एक गीता से। वेद शास्त्र और पुराण इत्यादि धर्म शास्त्रों में भगवान ने उपदेश दिया है कि ये तुमको करना चाहिए, तुम्हारा जो धर्म उसका गुण और दोष विचार कर और उनको छोड़ करके जो हमारा भजन करते हैं वे सत्तम है, सत्तम सत्तम। इसमें एक विचार समझो, स्वधर्म का त्याग कौन करता है? तीन प्रकार के व्यक्ति स्वधर्म का त्याग करते हैं। एक तो मूर्ख, उसको हिताहित का धर्म का ज्ञान नहीं, मूर्ख अज्ञान। और दूसरा नास्तिक व्यक्ति, इन कर्मों में विश्वास नहीं रखता। कैसे विश्वास नहीं रखता? आज आप लोग साक्षी गोपाल में गए, ये गोपाल वृंदावन में रह रहे थे और साक्षी देने के लिए विद्यानगर आए, इतने माइल आए, हजारों माइल, 5,000 तक 4,000, वो भी पैदल आए और साक्षी दिया और वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर में आए और भोग लगने पर उनका सारा प्रसाद हजारों मन भोजन खुद कर लेते और जगन्नाथ के लिए कुछ नहीं रखते, भूखे रहने लगे। साक्षी स्वरूप में, साक्षी गोपाल में तब उनको काफी जमीन जायदाद दे करके मंदिर बना करके वहां रखा। तो वो मूर्ति है नाशक भगवान है, लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता। जो ठाकुर जी कहते हैं हमको यशोदा मैया मक्खन खिलाती थी, अब तुम नमक भी नहीं देता, उसे खाया नहीं जाता, ऐसा मूर्ति बातचीत करती है। नास्तिकों को ये सब देख करके भी सब पता है, ये सब बेकार। नास्तिकों को कर्मों में विश्वास नहीं है, पिता की सेवा करने से अगले जन्म में वो सुखी होगा, माता की सेवा करने से वो सुखी रहेगा, इस कर्मों में विश्वास नहीं। इसलिए नास्तिक व्यक्ति ये सब सब कर्मों को, वेद विहित कर्मों को नहीं करता, उनमें विश्वास है। और तीसरा जिनको भक्ति में दृढ़ विश्वास है, शास्त्र के वचनों में भी दृढ़ विश्वास है, ऐसा व्यक्ति शास्त्र के उपदेश अनुसार, गीता और भागवत के अनुसार सद्भर्मों का त्याग करता है। किस स्थिति में? एक स्थिति है, वो स्थिति है तावत कर्मानुपूर्वी तो न निर्वेद जावता मत तथा शरणादो वा सत्ता चवन न जाए। क्या कहा सुन मैंने? तावत कर्मानुपूर्वी, ये कर्म तब तक करो चाहे वो भगवत अर्पित हो चाहे जात अर्पित कर, उन कर्मों को कब तक करें? तावत कर्मानुपूर्वी न निर्वेद जावता, जब तक इन कर्मों के फलों को देख करके, भोग करके, शास्त्रों को, वचनों को देख करके उसे निर्वेद नहीं हो जाता, ये बेकार था, ये बंधन था, छोड़ो ये सब कुछ।
सब कानों को छोड़ेगा अथवा वास्तव न जाते। जब तक भगवान की कथाओं में, लीला कथाओं में, भगवान की कथाओं में सुनने में श्रद्धा नहीं आती तब तक जहां श्रद्धा होगी छोड़ तब भगवान के लीला कथाओं को भगवान के लिए सारी क्रियाओं को कर। इसलिए ऐसा श्रद्धालु लोग शास्त्र वचनों पर विश्वास रख करके किंतु ये समझ रखो इन दोनों के मूल में क्या है साधु संघ। साधु संघ सबके मूल में उसी से निर्वेद होगा और उसी से हरि कथा सुन करके इनके प्रति भी भावना कर्मों का
Many people, they don't believe that the deity will speak with you. So they are atheists. They don't even believe that by performing karmas, proper duties in this life, such as serving mother and father, that you can become happily situated in this world. So those persons who have no faith, they are atheists and agnostic, they can also neglect their duty. But the third category, this is the category which is spoken about in this verse of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, chapter 11. So, in this verse, a different person is being spoken about. It speaks about those who have a very strong faith in the Shastra, and yet they also give up the Shastric injunction to perform duties. Why? Such persons who have a strong faith in Shastra, but they don't follow the injunction to perform duties, they also have a particular qualification. That's been spoken about in Srimad Bhagavatam. Sarvat karmani kurvika narate vishyeti yavata. He states that as long as a person has not become nivet, means they understand that to perform duties in this world, this is a temporary thing, this is a mature activity. Ultimately, it has no transcendental value or relationship with the soul. And therefore, they become completely discouraged and uninspired to perform mature activities in this world. And matrikarashavanado, those who have become discouraged and have realized that to perform the religious activities, karma, has no transcendental value. And they also develop shakha, strong faith in the power of Harikata. Those persons are qualified to leave behind or neglect prescribed duties. So, the third personality who has strong faith in Shastra, again, neglects the injunction to perform duties, he has to have two qualifications. First, he realizes he becomes totally discouraged with the value of performing the karmas in this world, because he realizes that they are not, they have no eternal value. And secondly, he has developed faith in Harikata. Now the root cause of these two qualities is what? Sadhu Sangha, the association of a sadhu. So those who have sadhu sangha, and they develop these two characteristics, they can renounce the performance of prescribed duties. सर्वान् संसर्ज्य मां भजे सप्तम कृपालु अकृतो मौनी सत्सार विधि सड़गुण और ये 26 गुण बतलाए गए इनको सप्तम कहा गया इनको ये सब गुण हो तो इस व्यक्ति को जो सब धर्मों को छोड़ करके हमारे आदेश को भी छोड़ करके गुण दोष विचार करके हमारा भजन करता है वो भी ऐसा ही सत्तम है जैसा कि गुरु सब इस गुण में इसलिए सत्तम कहा और भी एक श्लोक उन्होंने कहा रामानंद जी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम सर्वधर्मान परित्यज्य सब धर्मों को छोड़कर मैंने यहाँ पर बड़ा सब धर्म समझना शरीर और मन से जो बड़ा सब धर्म किया जाता है सब धर्म जो अब तक कहते हैं कृष्ण पैसे सबको छोड़कर माम एकम शरण भज माम एकम कृष्ण के तरह मूर्ति परंतु कृष्ण एकमात्र हमको शरण भज
हमारा शरणागत हो। अहम त्वाम सर्व पापे मुक्ते इच्छामि, समस्त पापों से यदि कुछ इसमें पाप किया छोड़ने से ज्यादा तो मैं सबसे साधना करते प्रणाशन धर्म का त्याग और एकमात्र कृष्ण को के चरण में शरणागत हुआ। किंतु एक बात है, अर्जुन को मालूम होता है यहाँ माता पिता घर बार स्त्री पुत्र चरण सब छोड़ देंगे, विवाहिता स्त्री को छोड़ देंगे तो पाप लग सकता है। पाप लगेगा क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है। तो कृष्ण कहते डरो मन, सब पापों से छुटकारा दे देता, मुक्ति कर मुक्ति। इसमें मालूम होता है कि थोड़ा थोड़ा डर है भगवान के शरणागत में आकर और धर्मों को छोड़ देने में इसको डर है। माता को पिता को भाई को बंधु को देश को समाज को छोड़कर जाने में, माता पिता को छोड़कर के जाने में ये तो पाप लगेगा। किंतु भागवत में कहा गया है जो सब कुछ छोड़ करके पृथ्वी ऋण कृषि ऋण उनको जो लोग छुटकारा दे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, शरणागति कृष्ण के प्रति सबको छोड़कर के शरणागत होना ये तो बहुत ऊंची बात है। महाप्रभु जी ने इसको भी कहा कि वो बात आगे कहा, इसको भी बाय बताया शरणागति। शरणागति क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विभाजन, प्रकृति के विश्वास के दर्शन तथा आत्मविक्षेप कार्पण में शरण। अनुकूल भक्ति के अनुकूल जो हो दृढ़ता से उसको ग्रहण करो, दृढ़ता से उसमें बाधा है तो बाधा मत मानो। भक्ति का अनुकूल हो और भक्ति के प्रतिकूल अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति या कोई कार्य भी है उसको छोड़ो। भक्ति के अनुकूल ग्रहण, भक्ति के प्रतिकूल उसका दृढ़ता से। और कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, हम उनका शरणागत विश्वास हो और दम दृढ़ विश्वास हो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। विश्वास हो भक्ति वर्णन अब उसको वर्णन कर लिया वही हमारी रक्षा। दूसरा नहीं, यदि विपत्ति आई सभी बिलाले जाके कृष्ण बोलते जब तक ठीक है तब तक तो ठीक है मैं शरणागत हूं। अचार विपत्ति आई चार कृष्ण को छोड़कर के हमारी रक्षा कर, ये शरणागत है। तो वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कारण क्यों धीमी बिना प्रति सुनी और आत्मनिक्षेप आत्मसमर्पण इसको कहा गया है शरणागति। शरणागति भक्ति का आनंद नहीं है, भक्ति का सोपान है। आपको वो सोपान वहां तक पहुंचा देगी, कहा भक्ति के दरवाजे तक पहुंचाएगी भक्ति। इसमें सेवा नहीं है,
स्वरूप का चलेंगे सोपान है ऐसी उच्च कोटि अर्जुन को ब्रह्मांड ने जबकि ये उपदेश दिया उस समय अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं बृहद भगवत सोच रहे हैं सीता में नहीं लिखता कोई पता नहीं चलता बृहद भगवत मैं सखाई था और हमको ये सर्वसाधारण का उपदेश दे रहे हैं क्या मैं शरणागत भी नहीं हूं इसलिए हमको उन्होंने पहचाना है यूं को देखो ये सब पहचाना है हमारे हमको तो यदि कहते ये हमको ब्रज भक्ति दीजिए तो ब्रज की भक्ति करो हमारा आशीर्वाद है हमारी कृपा से तुमको ब्रज की भक्ति दीजिए तो ये कृपा हो और ये तो हमारी पंचना भी क्या सचमुच में अर्जुन सखा होने पर भी भगवान के शरणागत नहीं थे जो उनको कहा हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा हमने देखा तो योगवाद के साधे का तात्पर्य क्या है ये बाहरी है इसमें आत्मा संबंधी है नहीं संतान बंधी ही नहीं इसमें कृष्ण की कोई सेवा नहीं और डर भी है कि ये वेद शास्त्रों का आदेश नहीं पालन करते थे तो हमें पाप लगे इन सब कारणों से महापुरुष जी ने कहा जो बात राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति तब तक तो कारण मिश्रा भक्ति का वर्णन किया अब यहाँ पर शुद्ध भक्ति यहाँ तक ज्ञान मिश्रा भक्ति का उदाहरण दे ज्ञान ही प्रयास जो तो दृष्टि taking care of one's aged parents and all of these things. So Shasta said,
If you leave your wife, if you neglect your young children, if you will not take care of your aged parents, this is very, very simple. And therefore, if a person is considering doing this, some fear will come in his mind. Should I do it or not? The fear will be there. So therefore, Krishna said, why? They are afraid because sinful reactions will come, and they'll have to face those sinful reactions. So Krishna says, Aham Kamsava Pabiyo. Oh, I will protect you from the sin that comes from doing this. Manasujana, don't be afraid. So fear may come, but Srimad Bhagavatam also gives the same conclusion. In this world, everyone who is born, they have so many debts. They have debts indebted to the demigods, to the sages, to their forefathers, to other living entities, to the king of the society. They have so many debts. And they have to do their prescribed duties. By performing their prescribed duties, they become free from the debts or the punishment which is incurred by not paying off those debts. But if someone will surrender completely to Sri Krishna, then they are no longer indebted to anyone. Srimad Bhagavatam gives this conclusion. So to leave everything for Krishna service, it has to be not a problem. There's no necessity of being afraid. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he rejected this suggestion of the Karmatya or Dharmatya, and then he suggested Sharanagati. So in this verse, Sarvadama Pritata, leave all karma, but Mamikam Sharan Vrata, one should do Sharanagati. So Sharanagati surrender to God, this is a very high thing. So why is it that after hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Eholaya Arikana, this Sharanagati, surrender to Krishna, is also external. I want to hear something superior. So, first we should know what is Sharanagati. In Harikata Sutta, there the definition of Sharanagati has been given. Anapodhyasya Sattalpa, Vatikodhyasya Vanjanam, Rashishiti Dirishato, Sopika Ivanatana, Atmani Chetanakarale, Sarvivan Prakila, Sharanagati. So here, Sharanagati has six angas, Sahanga Sharanagati, six limbs. First of all, Anukulyasya Sankalpa. One should make a very strong, determined, unbreakable vow that those things which are favorable for devotional service must accept them. Then, Prakulyasya Divajana. Anything which is unfavorable or detrimental to the devotional service, one should leave this. Even if someone you know who is most dear to you, but the association is unfavorable, must be given up. So then, Rakshishiti Vishwaso, at the time of danger, who will protect me? Oh, I have very strong confidence that Sri Krishna will protect me. That is called Rakshishiti Vishwaso. Confidence that Krishna will protect me. Then, Gopita Ivana, who will maintain me? Who will maintain my life now and in the future? So, if my son comes along, then what is all I have to do is maintain me and forget Krishna. It's not charity. So, a very strong faith, Krishna will maintain me every step of my life. So then, Kapanye needs to always be very meek and humble. Shinarati Sunis Bahav. To consider oneself more insignificant than a blade of grass. And, Atmanichekara means to have no independent desire. So, this Sharanagati, what is it? Actually, this is not bhakti, but it's the step leading towards bhakti. What is the door through which one must go to enter into the realm of bhakti? Because in this verse, Sarvadama Prithana Ramayam Sharanagata, there is no mention of direct devotional service to Sri Krishna. In Great Bhagavatamrita, Arjuna himself, he was speaking with Narada about the time when he received the instructions of Gita, because Narada glorifies him
Or you are great personality, Krishna has directly instructed you by the Gita. But what was Arjuna's opinion in regard to this? He said, actually, I am really not the true recipient of Sri Krishna's mercy. Why? Because I am Krishna's friend. I have a relationship with him as a friend. But what did he say to me? He told me, what you should do is charity. This is your way to bhakti. But I have already established a relationship as a friend. So therefore, by giving me these instructions of Gita, this is not really the receiving Krishna's mercy. But what is it? Krishna cheated me. I have been cheated. If Krishna had given me a blessing, then I could attain Raja Bhakti. So Mr. Chief is right. Oh, then this would have been a blessing. But instead he told me, you should do Sharanagati. So I have been cheated. So this teaching, this is for the people in general. To teach, give instruction to people in general. Because in Sharanagati, there's no conception of Swarup Anubhuti. The eternal relationship between the Swarup of the soul and the Swarup of the Supreme Personality of Godhead. And in here, there's no description of direct Krishna Seva. And also Master Chakra said, don't be afraid. So the actual Sharanagati mentioned in this verse is inspired out of fear, not out of loving relationship. So Chaitanya Mahaprabhu said, this is external. Tell me something superior. And then Mahaprabhu gave a suggestion, Jnana Vishnu Bhakti, the devotional service, which is mixed with knowledge. This is the sadhya, the goal. So now, to be able to explain, Chaitanya Mahaprabhu will reply to this. Tomorrow, I will explain tomorrow. Today, I will be a doctor, a Australian doctor. Kamal Krishna, Kabirara, very qualified. He will speak something. Come forward.